हेलो गाइस, दिस इज कुशाग्र। वेलकम टू कुशाग्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड। सो गाइस, ये चैप्टर सेकंड है। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, सो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमने विलेज पालमपुर की स्टोरी के बारे में डिस्कस करा था। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल एज ए रिसोर्स, यानी कि जो पीपल है वो क्या है, एक रिसोर्स है, राइट। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए देखिए, अब क्या पीपल एक रिसोर्स है। हाँ देखिए, पीपल एक रिसोर्स है। सो मान लीजिए पीपल एक रिसोर्स है। पीपल ने इतने सारे वो हमें जिसने इतने सारे आइटम्स पीपल बनाते हैं, जैसे टेबल, चेयर, ये सब सोफा, ये सब पीपल बनाते हैं आइटम्स। ये क्या है, रिसोर्स है, यानी कि ये हमारे जरूरत में आते हैं, ठीक है। सो पीपल क्या है, पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एक रिसोर्स है। अब देखिए कि अब आती है स्टोरी ऑफ, इसमें एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ शालाक। किसकी, शालाक, एक लड़का है शालाक, उसकी स्टोरी दे रखी है। अब देखिए क्या है स्टोरी। सो शालाक क्या है, शालाक शालाक जो है वो 12 ईयर का लड़का है, 12 ईयर का लड़का है वो शालाक जो है, 12 ईयर का लड़का है। और उसकी जो मदर है वो क्या करती है, वो डोमेस्टिक कोर्स का काम करती है। किसका काम करती है, डोमेस्टिक कोर्स का। और उनकी उसकी मदर का नाम क्या है, सुनीता। क्या नाम है, सुनीता, ठीक है। अब देखिए, अब उसके जो फादर है वो क्या काम करता है, फादर जो उसके वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उसके फादर एग्रीकल्चर का काम करते हैं। उसका एक भाई है जेतू, उसका एक भाई है जेतू और एक भाई है सेतु, एक बहन है सेतु और एक भाई है जेतू, ठीक है, ये उसकी भाई बहन है। अब देखिए कि ये जो हमारा सालाक है, ये जो बड़ा होके अच्छी एजुकेशन इसने ली, अच्छी एजुकेशन ली इसने, अच्छी इसकी हेल्थ भी अच्छी है, इसलिए अच्छे इसके पास मनी आने लगे, अच्छी एजुकेशन ली इसने, हेल्थ थी इसके पास। तो ये क्या है, अब जो ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पीपल एज ए रिसोर्स, इस चैप्टर में हम एजुकेशन और हेल्थ के बारे में ही ज़्यादातर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब देखिए कि अब स्टोरी ऑफ विलास, विलास की स्टोरी। विलास एक लड़का था, ये भी विलास, अब ये जो शालाक और विलास जो थे ये दोनों ही फ्रेंड्स थे, ठीक है। अब ये जो विलास था, इसके जो फादर थे वो फिशरमैन थे, क्या थे, फिशरमैन थे, यानी कि मछली बेचने का काम करते थे। और इसकी जो मदर थी वो भी फिशरमैन ही थी, वो फिशर वुमेन थी, यानी कि वो भी मछली बेचती थी। सो ये भी क्या करने लगा, ये जब बड़ा हुआ ये भी मछली बेचता था, ये हमारा विलास जो था ये भी मछली बेचने लगा, ठीक है। सो इसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, इसकी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली इसे, ठीक है। अब इसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो इसे क्या हुआ, ये अच्छे से कमा नहीं पाता था, इसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, राइट। सो ये दो दोस्तों की कहानी थी, जिस एक को क्या अच्छी एजुकेशन मिली और दूसरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। सो जब सलाह समझ में आ गया क्या, और विलास दोनों की स्टोरी समझ में आ गई। अब देखिए कि पीपल एज ए रिसोर्स में, जो पीपल एज ए रिसोर्स है, आप एजुकेशन इससे अच्छी मिली, किसको, शालाक को एजुकेशन अच्छी मिली, पर विलास को एजुकेशन अच्छी नहीं मिली। अब एजुकेशन जब अच्छी मिलती है, जब भी हम कुछ कर पाते हैं, इसे क्या मिली, एजुकेशन अच्छी मिली, इसलिए इसमें क्या, ये अच्छे से कमाने लगा, है ना, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि जैसे कंट्री है लाइक जापान जैसी कंट्री है, सो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे कैसे रिसोर्स है, पीपल ह्यूमन रिसोर्स ही है, मैन मेड रिसोर्स है यहाँ पे। मतलब जैसे जो हमारा चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, यही हमारे इसके उनके पास क्या है, जापान जैसी कंट्रीज में, सो वहाँ पे ये कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए वो क्या है, इतनी क्या है, रिच कंट्री है जापान, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशन जब मिलती है, सो ही जब जैसे आपके उस जिसके जिस बच्चे के फादर मदर जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली हुई होती है, सो उनका बच्चा भी क्या करता है, अच्छी एजुकेशन पाता है, राइट। अब देखिए, जो हम इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे बाय मैन एंड वुमेन्स, मैम से जो होती है और वुमेन से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, राइट। अब देखिए ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, देखो ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये थ्री तरीके की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। क्या क्या होती है देखिए, फर्स्ट होती है प्राइमरी, क्या प्राइमरी, और सेकंड जो है सेकेंडरी, थर्ड जो है वो क्या है टेरिटरी। ये फर्स्ट क्या है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, फिर ये थर्ड क्या है टेरिटरी। अब राइट ये हो गया प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में जैसे प्राइमरी में आता है जैसे एनिमल हस्बेंड्री क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। सो ये जो चीज किसमें आती है, ये आती है हमारी प्राइमरी फैक्टर में, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज में ये सब चीजें आती हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री जो है ये किसमें आती है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, और ये एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसमें क्या आता है, इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही आता है, बस ये ही मैन्युफैक्चरिंग ही सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है, ये ही क्या है सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग ही, बस एक ही ये जो है मैन्युफैक्चरिंग में ही सेकेंडरी, जो सेकेंडरी जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें बस मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। अब ये जो टेरिटरी है, टेरिटरी में क्या आता है, टेरिटरी में जैसे ट्रांसपोर्ट आता है, और क्या आता है ट्रांसपोर्ट के बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन, ये आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, यहाँ गलत हो गई स्पेलिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये जो चीज आती है, ये जो आता है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये एक थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है टेरिटरी में। अब ये तीनों क्लियर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी में क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर आते हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और टेरिटरी में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, और दो एक्टिविटीज और होती है, वो क्या होती है, अब देखिए देखिए ये क्या है, अब दो एक्टिविटीज और होती है, एक होती है मार्केटिंग और दूसरी है नॉन मार्केटिंग। मार्केटिंग और दूसरी है नॉन मार्केटिंग, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं किसमें आती हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है, मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग क्या होता है और नॉन मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग जो होता है यानी कि जो हम जितनी भी हमने मान लिया कि क्रॉप्स जो हमने ग्रो करी है, जैसे मान लिया कि हमने क्रॉप ग्रो करी है, उसमें से जो हम क्या करते हैं मार्केट में बेच के जो पैसे कमाते हैं, यानी कि दूसरे मार्केट में बेचने के लिए जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि जो जो भी चीज हम मार्केट में बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं मार्केटिंग। नॉन मार्केटिंग यानी कि जैसे आपने क्रॉप ग्रो करी, सो क्या हुआ, क्रॉप ग्रो करी, पर वो आपने किसके लिए करी, अपने लिए करी, मार्केट में नहीं बेचा, तो वो क्या हो गया नॉन मार्केटिंग, यानी कि जो चीज आप क्या बेचते हैं वो जो चीज
जो आप मार्केट में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी। और जो चीज आप मार्केट में नहीं बेचते उसे हम कहते हैं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। राइट, क्लियर हो गया ये? अब ये क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा बाय मैन एंड वुमेन। अब मैन, तो जैसे आपको पता है ये सब जो ये जो हमें एक्टिविटीज है ये मैन करते हैं राइट। अब वुमेन जैसे विलास की मदर थी या उसकी शादा की मदर थी, तो वो क्या करती है, सब ज्यादातर अपना घर का काम करती है। पर विलास की मदर जो थी विलास की, पर वो क्या करती है, वो भी क्या फिशर वुमेन थी, वो भी क्या फिश का ही काम करती थी। पर वो जो जो भी विलास शादा की मदर थी वो घर का काम करती थी, ठीक है। अब विलास की मदर के कहाँ का करती थी, वो भी बाहर का काम करती थी। सो जो वुमेन होती है वो भी क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, ठीक है। सो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, ये क्लियर होगा। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी। अब इसमें हमें क्या बताना है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए ये दो चीजों से होता है, एक लिटरेसी रेट्स यानी कि एजुकेशन, और हमारा हेल्थ ऑफ ए पर्सन यानी कि हेल्थ। अब एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या होता है कि अब जैसे शालक ने अच्छी एजुकेशन करी थी, सो ये क्या हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में आप क्या करते हैं, आपके पास अच्छी नॉलेज होती है एजुकेशन से आप ही पैसा कमा पाते हैं एजुकेशन से। ये एजुकेशन में जो आता है, एजुकेशन जो है ये हमारा लिटरेसी रेट्स में आती है। कहाँ पे, लिटरेसी रेट में। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ देखिए एजुकेशन में यहाँ पे जो एजुकेशन दे रखा है हमें, यहाँ पे एक चार्ट है हमें, सो वो क्या दे रखा है, लिटरेसी रेट इन इंडिया, इंडिया में कैसे लिटरेसी रेट है। अब लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन वाला, सो ये देखिए अब ये क्या है, ये है 1951, यहाँ है 1961, यहाँ है 1971, यहाँ है 1981, यहाँ है 1991, यहाँ है 2001 और अभी आगे हो रहा है, ये है 2004 और ये है 2011, राइट। क्लियर हो गया, अब ये क्लियर हो गया राइट। अब इसके बाद यहाँ लिखिए कि ये तो हो गया। अब यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो 1951 है उसमें लिटरेसी रेट कितने थे इंडिया में, उसमें कितने लिटरेसी रेट थे, यहाँ पे ये हमारे लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे ये देखिए ये बना हुआ है, यहाँ से ऐसे लाइनें यहाँ बनी हुई है, ये 20 की, ये 30 वाली और ये 40 की, राइट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे यहाँ ये जो जा रही है यहाँ पे 1951 में, पहले क्या था, यहाँ 30 तक जा रहा है ये 30, फिर यहाँ से ये ऐसे 20, फिर यहाँ ये 10, ऐसे ये हो गया राइट। अब 1961 में कितने थे, 1961 में 40 से ऊपर यहाँ पे इतने थे ये। अब यहाँ देखिए फिर कहाँ तक चले गए, फिर यहाँ 40 से नीचे हुए, फिर कहाँ आ गए ये, फिर यहाँ, राइट, ये हो गया। अब 1971 में देखते हैं, 1971 में कहाँ थे, 1971 में ये, ठीक है, ये और यहाँ पे ये, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया। अब 1981 में कितने थे, 1981 में चला गया 50 से ऊपर, लिटरेसी रेट जो थे वो 50 से ऊपर चले गए थे, राइट। अब फिर ये क्या, ये यहाँ पे 30 तक आ गए बस, ऐसे थे, राइट। अब
देखिए 2001 में, 2001 में कैसे गए, पहले देखते थे 1991 में कितने गए, 1991 में, ठीक है 1991 में देखिए, ये 1991 के लिटरेसी रेट्स, ये 1991 में फिर कहाँ तक गए, यहाँ पे 50 तक, फिर कहाँ तक आ गए, फिर ये कहाँ से कहाँ तक आ गए लिटरेसी रेट, ये आ गए हमारे लिटरेसी रेट फिर 40 तक, कहाँ तक 40 तक, यहाँ तक ये 40 तक आए। अब ये 2001 दे रखा है, 2001 में कहाँ तक चले गए, 2001 में ये इतने, फिर यहाँ पे और बढ़ गए, फिर यहाँ पे फिर कम हो गए, राइट right? अब 2004 में देख लेते हैं, 2004 में ये इतने हो गए, अब फिर यहाँ तक ऐसे बढ़े, फिर कम हो गए, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ देखिए 2011 में ये इतने लिटरेसी रेट पहले बढ़े, फिर और ऊपर चले गए, फिर कहाँ तक आए, फिर यहाँ नीचे तक आ गए, राइट right? सो ये लिटरेसी रेट है इंडिया में, ईयर पहले 1951 में, फिर 1961 में, फिर 1971 में, फिर 1981 में, फिर 1991 में, फिर 2001 में, फिर 2004 में, फिर 2011 में, राइट ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम हेल्थ पर। अब हेल्थ में क्या देखता है यहाँ पे हमें, हेल्थ, अब इसके बाद जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में सेकंड जो है वो क्या है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, यानी कि हेल्थ यानी कि पर्सन की हेल्थ ठीक हुई, अगर उसने एजुकेशन तो कर लिया पर उसकी हेल्थ ठीक नहीं हुई तो उसे कोई बीमारी हो गई, मान लिया कोई बीमारी हो गई, फिर तो जितनी भी उसने एजुकेशन की वो सब बेकार रहेगी, बीमारी हो गई उसे तो, सो उसकी हेल्थ खराब हो गई, सो राइट। सो ये हेल्थ क्या है, हेल्थ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है, राइट। अब यहाँ देखिए, अब गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए कुछ किया है, हाँ हेल्थ के लिए ही बहुत कुछ किया है, जैसे एजुकेशन में ये पहले ईयर 1951 में कितने लिटरेसी रेट कम थे, पर 2011 में कहाँ तक चले गए लिटरेसी रेट, ऐसे ही गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ किया है, यानी कि जैसे डॉक्टर्स बढ़ा दिए, बेड्स की संख्या बढ़ा दी, नर्स की संख्या बढ़ा दी, मेडिसिन इंजेक्शन ये सब की भी बहुत ज्यादा आने लगे, अब डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़ गई, सो ये क्या करा, ये गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए भी कुछ किया। अब क्योंकि जब ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहेगी, जब किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी रहेगी, जब भी तो वो एजुकेशन करेगा, फिर इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्लियर हुआ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिंदी में बेरोजगारी, यानी कि जब आप कुछ करने के लिए सोचते हैं, आपने बहुत मेहनत कर ली पर आपसे वो हुआ नहीं, नंबर नहीं आया, ठीक है। अब ये भी थ्री टाइप के होते हैं, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कशनल एम्प्लॉयमेंट और एक होता है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फर्स्ट देखते हैं हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट में यानी कि देखिए आपने जैसे आपने मान लिया कि आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा पर आपका उसमें भी नंबर नहीं आया, तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट यानी कि सीजन में जो जैसे ईयर चला गया, एक ईयर है, ईयर उसमें क्या मंथ, जैसे मंथली में जो हम काम करते हैं, यानी कि जैसे आम कोई मैंगो बेचने वाला है ना, मैंगो बेचने वाला है, सो वो क्या मैंगो के सीजन में ही आम बेचेगा, बाकी दिन फ्री रहेगा, सो ये क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये जो होता है हमारा, इसमें मान लिया कि एक लैंड पर क्या कर रहे हैं कि तीन आदमी काम कर रहे हैं, सो उसमें से बस दो आदमियों की जरूरत है, छोटा सा लैंड है ना, सो उस पर दो आदमियों की जरूरत है बस, ठीक है। सो एक क्या करेगा, एक तो वो फालतू में आ रहा है, तो एक वो किसमें आया, थर्ड वाला, वो डिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट में आया। अब एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब देखिए जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारा, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में जो होता है ये जो हमारा
एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि जैसे किसी ने बहुत मेहनत करी, मैंने पहले बताया था जैसे किसी ने बहुत मेहनत करी, पढ़ा उसने बहुत, पर उसका उसका नंबर नहीं आया, फिर भी बहुत पढ़ा, बहुत एजुकेशन ली उसने, पर फिर भी उसका नंबर नहीं आया, सो ये क्या होगा, ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है ना, ठीक है, रेडी क्लियर हो गया। सो इसके साथ साथ ये था अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय।